Welcome back. We are getting in breaking inputs coming in from Bihar. We are now learning that Sushil Kumar Modi has made a big statement. He's in fact gone on to praise Nitish Kumar. And he's saying that Nitish Kumar attacked nepotism for the first time. Nitish has spoken openly on familism, meaning dynasty politics. Now, Bihar BJP is with center's decision and that Sushil Modi is not going against Nitish and that he will accept the decision of the central leadership. This is the big news we are bringing to you. Let's also listen in to what Sushil Modi had to say. देखिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बड़ा राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में और आपने नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम भी किया है। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, शुरुआत हम वहीं से करते हैं, इसको किस रूप में देखा जा रहा है? बहुत असहज सब कुछ दिख रहा है बिहार में। देखिए, पिछले कई दिनों से जो महागठबंधन है उसमें असहजता दिखाई पड़ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। केसी त्यागी जी का जिस से बयान आ रहा है, जो नीतीश जी के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी छिटक कर अलग हो गई इंडी गठबंधन से, तो सीट शेयरिंग को लेकर जो तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जितनी सीटें चाह रही हैं और नीतीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो राष्ट्रीय जनता दल तय करे, उनको अपने कोटे से वो सीटें देनी है। और कल जिस तरह से भाषण किया है नीतीश कुमार ने कि परिवारवाद पर जिस तरह से अटैक किया है जी। तो इतना तीखा हमला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नीतीश जी ने और राष्ट्रीय जनता दल पर किया है, लेकिन इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। नीतीश जी अभी लालू प्रसाद यादव के साथ ही मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और परिवारवाद के मुद्दे पर जो उनका रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया कल कर्पूरी जयंती के मौके पर, वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिहाज से असहज करने वाला लग रहा है। नहीं, ये तो देखिए जो बयान दिया, और ये कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया, ये बात अलग है कि इस बार खुलकर उन्होंने और इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन इसके पहले भी कई बार भाषणों में वो कह चुके हैं कि 2005 के पहले क्या हाल था, लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे, मैं जब आया तब उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। तो तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और उस समय में नीतीश कुमार ने इस प्रकार का एक बार नहीं तीन चार बार इस प्रकार का बयान दिया है। तो देखिए, नीतीश कुमार बार्गेन बहुत टफ बार्गेनर है, वो सीटों को लेकर बार्गेन भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव भी बना सकते हैं। इसलिए इसका क्या क्या अर्थ है ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, जहाँ तक उनका एनडीए में जो लौटने का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और राज्यों में अगर कोई अलायंस होता है या सीट शेयरिंग होती है तो ये राज्य इकाई के दायरे के बाहर की चीज़ है, ये सारे निर्णय केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो किस राज्य में किससे अलायंस होगा, नहीं होगा, सीटों का क्या होगा, ये सारे निर्णय जो वो राज्य इकाई नहीं करती बल्कि जो हमारा हाई कमांड है वो करता है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि 2013 का इतिहास याद है, उस समय आप डिप्टी सीएम थे 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे, पूरे किस तरह से बीजेपी के जो कोटे के जो मंत्री हैं आपके इंक्लूडिंग यू, सबको किस तरह से बर्खास्त किया गया। 2017 में फिर नीतीश कुमार वापस आते हैं, किस तरह की हलचल रही। 2022 में जब फिर गए आपको छोड़ करके, उसी तरह की कुछ हलचल इस वक्त दिख रही है आपको? देखिए, बिहार एक बहुत ही संवेदनशील और जागरूक राज्य है, तो हलचल तो वहां पर हमेशा दिखाई पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो देखकर एक ऐसा पत्थर फेंक दिया है तालाब में कि जिसकी हलचल पूरी राजनीति में दिखाई पड़ रही है, इसलिए सब लोग। ऑलराइट, फॉर मोर डिटेल्स लेट्स क्विकली गो अक्रॉस टू सौरभ राठौर, हू इज जॉइनिंग मी लाइव ऑन द न्यूज़कास्ट। Saurabh, a tall BJP leader from Bihar such as Sushil Modi, when he makes those statements and talks from experience, does it indicate winds of change? It indicates many things, Akanksha, and we see here the political turmoil is clearly visible in the state of Bihar. First, I'll give you the facts, what has happened right from morning. Today,
Samrat Chaudhary has been called by Delhi and he is at the airport. He is going to leave. Samrat Chaudhary is the BJP president of Bihar. Lalan Singh, who was the previous JDU president and is a very close aide of Nitish Kumar, he has been called inside the CM residence. Sanjay Jha, who is the JDU minister, he is inside the JDU at the CM residence. And you know, this political turmoil has come fold only after yesterday when Nitish Kumar, in his speech on the occasion of 100th birth anniversary of Karpuri Thakur, he thanked Prime Minister Modi and he said a very important line right at the end of his speech. He said that Raj Hit mein jo hoga, wo hum karte aaye hain. जो राजहित में होने वाला है वो हम करेंगे. एंड दिस वाज हिज एग्जैक्ट स्टेटमेंट विच मेनी मीडिया यू नो इग्नोर्ड और मे बी इट वाज मिस्ड. बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट वी कैन सी टुडे दैट राजहित में जो होगा वॉट एवर इज इन द वेलफेयर ऑफ द स्टेट इट विल हैपन एंड ही इज गोइंग टू डू. सो टुडे यू कैन सी द मूवमेंट्स ऑफ यू नो एटलीस्ट ऑल द जर्नलिस्ट इन पटना दे ऑल हैव गैदर्ड. वी आर हेयर एट